पिंपल्स, क्या आपको भी है? क्या आप भी इससे परेशान हैं? क्या आप भी महंगे महंगे क्रीम लगाकर थक चुके हैं? पिंपल से छुटकारा पाने के लिए हम क्या क्या नहीं करते हैं, घरेलू नुस्खों से लेकर महंगे से महंगे क्रीम प्रोडक्ट तक यूज करते हैं, पर क्या आप इससे संतुष्ट हैं? नहीं ना। लेकिन अगर आप यह जान जाएं कि किन चीज़ों को खाने से और किन चीज़ों को अवॉइड करने से आप अपने पिंपल से छुटकारा पा सकते हैं, तो फिर बात ही अलग है, इन सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ही मिल जाएगी। तो आइए जानते हैं इन चीज़ों के बारे में। हे फ्रेंड्स, इट्स मी विशाखा एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल नेचुरल ब्यूटी टिप्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या खाने से और क्या ना खाने से हम अपने पिंपल्स को कंट्रोल कर सकते हैं। पर उससे पहले, अगर आप अभी तक मेरे यूट्यूब फैमिली का हिस्सा नहीं बने हैं, तो नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एंड साथ में जो बगल वाले बेल आइकन है उसे भी ऑन कर दें, ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको मिल सके। फ्रेंड्स, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में मैंने ऐसे टिप्स एंड ट्रिक बताए हैं जिनके इस्तेमाल से आप अपने पिंपल्स को हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं। पिंपल से छुटकारा पाने के लिए हमें खाना चाहिए विटामिन ए, एंटीऑक्सीडेंट, ओमेगा 3 फैटी एसिड एंड जिंक। तो आइए जानते हैं इन चीजों को विस्तार से। सबसे पहले हम जानेंगे विटामिन ए के बारे में। विटामिन ए एक्ने प्रोन स्किन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये सेबेसियस ग्लैंड में होने वाले ऑयल प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है और पिंपल्स की वजह से डैमेज हुई स्किन को रिन्यू और हील करने में मदद करता है। जैसे पिंपल से होने वाले काले दाग धब्बे, रेडनेस, इचनेस, ये स्किन में कोलेजन प्रोडक्शन को बूस्ट करता है, जिससे स्किन में पिंपल्स की प्रॉब्लम्स और दाग धब्बों को दूर करने में काफ़ी मदद मिलती है। जैसे कि हमें खाना चाहिए गाजर, शकरकंद, ब्रोकली, मछली और पपीता में काफ़ी मात्रा में विटामिन ए पाए जाते हैं। सेकेंड है एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट स्किन में होने वाले ऑयल प्रोडक्शंस को कंट्रोल करता है और फ्री रेडिकल्स से होने वाली डैमेज से हमारे बॉडी सेल्स को प्रोटेक्ट करता है, जिससे स्किन हेल्दी एंड ग्रोइंग दिखते हैं। जैसे काले अंगूर, स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, ग्रीन टी, सेब, टमाटर, ब्रोकली और लगभग सभी तरह के हरे पत्तेदार सब्जियों में एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। थर्ड है ओमेगा 3 फैटी एसिड। ये हमारी बॉडी में मौजूद ओमेगा 6 को इन्फ्लेट करके स्किन इन्फ्लामेशन को कम करता है, जिससे पिंपल्स में होने वाले दर्द, जलन और सूजन में काफ़ी राहत मिलती है। जैसे कि फ्लैक्स सीड यानी अलसी के दाने, फिश, अखरोट, सोयाबीन और हरे पत्तेदार सब्जियों में भरपूर रूप में ओमेगा 3 फैटी एसिड पाए जाते हैं। फोर्थ है जिंक। जिंक को पिंपल्स किलर भी कहा जाता है। जिंक रिच फूड सप्लीमेंट का इस्तेमाल करना पिंपल्स को खत्म करने का दवा खाने के बराबर है। इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं, इसलिए बॉडी के इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करता है और स्किन में ऑयल प्रोडक्शंस को बैलेंस रखता है और पिंपल्स पैदा करने वाले बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करता है, जिससे पिंपल्स खुद ब खुद धीरे धीरे ठीक होने लगते हैं। जैसे कि मटर, दाल, काजू, मूंगफली, मछली में भरपूर मात्रा में जिंक पाए जाते हैं। इसके अलावा आप ज़्यादा फास्ट फूड खाने से बचें, स्ट्रेस से बचें, ज़्यादा दवाओं का सेवन ना करें, मेडिटेशन करें, हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें, ज़्यादा चीनी का सेवन ना करें, धूप से बचें और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, पिंपल्स को दबाने से बचें। क्योंकि हम जब भी पिंपल्स को दबाते हैं तो पिंपल्स बाहर फूटने के साथ साथ अंदर भी फूटता है, जिससे पिंपल्स के अंदर मौजूद बैक्टीरिया तेजी से हमारे स्किन के दूसरे हिस्सों में भी फैलने लगते हैं और यही वजह होती है कि पिंपल्स कभी ना ठीक होने की। इसीलिए पिंपल्स को दबाने से परहेज करना बेहद ज़रूरी है। सो फ्रेंड्स, यही थी पिंपल्स को परमानेंटली ख़त्म करने का टिप्स। अगर आप इन टिप्स को रेगुलरली फॉलो करते हैं तो विद इन 10 डेज में ही आपको इसका फर्क नजर आएंगे। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा मेरी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही दिए होंगे। तो फ्रेंड्स, अब मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंसेप्ट, नए आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।